लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो लोहार का बेटा रामजी शर्मा यही मोतिहारी के रहने वाला ये मुंशी नहीं हो सकता था। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा होता तो कुम्हार का बेटा हरशंकर पंडित ये मुंशी नहीं हो सकता था। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो पनिया का बेटा रामचंद्र पूर्वे मंत्री नहीं हो सकता था। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो आपके इलाके में रहने वाला मंसूरी समाज में पैदा लेने वाला मुसलमान के सबसे अंतिम पंक्ति में रहने वाला इसराइल मंसूरी जो आपके सामने मंत्री कभी नहीं बन सकता था। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो मेरे से जूता सीने वाला का बेटा बिहार सरकार का मंत्री नहीं बन सकता था। ये लालू यादव का लालू यादव ने सामाजिक और समरसता देकर सभी जाति समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरे मित्रों उसी तरह से हमारे बिहार के विकास पथ श्री नीतीश कुमार जी ने जो लालू प्रसाद से बचा हुआ जो हमारा काम था पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण देकर गरीब गुरुवा दबे कुचले शोषित पीड़ित इसको मुखिया सरपंच जिला परिषद बनाने का काम नीतीश कुमार ने करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम हमारे नीतीश कुमार जी का है। आज चाहे वह चमार का बेटा हो प्रसाद का बेटा हो तत्मा तमौली का बेटा हो कुम्हार और उत्थो का बेटा हो नौट और बख्खो का बेटा हो चाहे वो कहने का मतलब रजत या डोम का बेटा हो नीतीश कुमार का पंचायती राज का सामाजिक न्याय में आरक्षण अगर नहीं दिया होता तो कोई जिला परिषद मुखिया सरपंच और प्रमुख कभी नहीं हो सकता था। ये नीतीश कुमार जी का एक राज क्या चल रहा है राज्य आज देश में क्या स्थिति चल रही है देश में जिस तरीका का महंगाई हमारे माथे पर रखा और महंगाई को माथे पर रखकर महंगाई का क्या स्थिति है। आज वो एक पेट्रोल का दाम 110 रुपए लीटर डीजल का दाम 100 रुपए लीटर रसोई गैस का दाम अब तो 1300 रुपए लीटर 1300 रुपए अब कहा जाइए मेरा भाई। इस तरीका से महंगाई से गरीबों का कमर खोलने का काम किया है बेरोजगारी को इन्होंने जो है मातम लाने का काम किया। आप सवाल करिए और भारतीय जनता पार्टी वालों से आप प्रश्न करिए कि किसने कहा था इस देश में कि हम हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। किसने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। किसने कहा था कि हम काला धन लाएंगे और गरीबों में बटवाएंगे। उनसे सवाल करने की जरूरत है मेरे मित्रों। आज की स्थिति में विकास जिस गति से बढ़ रहा बगल में आपके महुआ है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है आपके जिस तरीका से मुजफ्फरपुर जिला में जिस तरीका का विकास का गंगा बह रहा है आज हमारा ताकत वही है। हमारी सभी गठबंधन के हम नेता मिलकर सामाजिक न्याय की सरकार गरीबों की सरकार हम लोगों ने बनाने का काम किया है। इसलिए मेरे मित्रों खास करके मैं दलित समाज से कहना चाहता हूँ कि दलित समाज हमारे हैं उनको समझने की जरूरत है कि आपकी ताकत को किसने खत्म किया है। दलित भाइयों आपको जगने की जरूरत है आपको सोने की जरूरत नहीं है। जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान जिसकी पत्तियां जलाने का काम किया है जिसने बाबा साहब का दिया हुआ जिस संविधान में आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है हम मनोज कुशवाहा के तीर पर बटन दबाकर हम उसको निष्ठापूर्ण करने का काम करेंगे। इसकी बात हमको करने की जरूरत है। आज हमारा कट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया प्रगति में आरक्षण खत्म कर दिया हमारा उच्च शिक्षा में 200 जो दलितों का था उसको समाप्त कर दिया गया SC ST का जो ताकत था इसको खंडित कर दिया गया ये तमाम बैकलॉग था इसको खत्म कर दिया गया। ये तमाम हमारा जो मुद्दा है ये तमाम मुद्दा को लेकर कार्यकर्ता भाइयों महागठबंधन के साथियों हमको गरीब गुरबा को बताने की जरूरत है उसको समझाने की जरूरत है। और आपको मैं कहता हूँ जिस तरीका का मैंने भी 2-4 गाँव में गया है कुछ जगह में लोगों के बीच बैठा है कुछ दलित समाज के लोगों से बात हुई है वो सभी लोगों ने कहा है कि तेजस्वी यादव और जो है नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के लोगों ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि मनोज कुशवाहा ऐसा लोग जो जमीन पे काम करने वाला उनको उम्मीदवार बनाकर प्रधान जी को मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मेरे मित्रों आप तमाम लोगों से मैं अनुरोध करने के लिए आया हूँ तमाम लोगों से मैं कहने के लिए आया हूँ कि तख्त बदल दो ताज बदल दो केंद्र में बैठी सरकार के राज बदल दो
और बटन दबा करके विजय बनाइए।